अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक फिटफाट हैं जी। दोस्तों, तो जो सानिया मियांवाली हुआ था उस हवाले से ही बात करनी है जी। तो एक नई खबर सामने आई है जी, तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जी। जी तो हमारे साथ रहना दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ जी। जी तो दोस्तों, इस शख्स ने जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया, तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया, इसने और भी एक घिनौना इल्ज़ाम अपनी बेगम पे अपनी जान बचाने के लिए लगाया था, तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ये बेगैरत शख्स क्या कह रहा था अपनी बेगम के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जी। तो दोस्तों, ये जो शख्स है, इस शख्स ने मासूम बच्ची का कत्ल करने के बाद छुप गया था, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये गिरफ्तारी के दौरान ये कह रहा था कि जो है ना, मेरी मिसेज जो है ना, वो बात चलन थी, ये बच्ची किसी और की थी, तो जिस इस वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया, मार दिया। और जालिम इंसान क्या ऐसा कोई क्या था कि आप अब अपनी जान पे पाना, ये तो अपनी जान बचाने के लिए आप बच्ची पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो अब इस खबर है, यही पक्की आ रही है कि वो उसने जेल में खुदकुशी कर लिया है और जहन्नम वासिल हो गया है जी। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है कि थंबनेल पे भी देखा है कि इस तरह खबर आई है हमारे पास, तो मैं इस पे मकसद ये है कि 100% श्योर नहीं बात कर रहा। अगर ऐसा हो चुका है, हमने भी खबर ही सुनी है, अगर ऐसा हो चुका है तो खुदा ताला ने उसको हराम मौत दी। वो अपना शर्मिंदा था, निदामत में खुदकुशी कर गया, हराम मौत मर गया। वो था ही इस काबिल कि वो उस पे वैसे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। तो अगर ये हो गया है तो वो समझो कि बेहतर से बेहतरीन हो गया। हम तो यही कहेंगे, हम खुश हैं कि वो जो है ना, जहन्नम वासिल हो गया, हराम मौत चला गया जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। दुआ करें खुदा ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ऐसे वैशी होने वाली सूरत किसी पे ना आए। हर मुसलमान, हर की बच्चियां सलामत रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।